मेहनत के फल की कहानी। काफी समय पहले की बात है, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम किशन और दूसरे का नाम मोहन था। वह दोनों ही बचपन से बेरोजगार थे। उन दोनों ने अपनी बेरोजगारी से निजात पाने के लिए एक योजना बनाई कि वह दोनों अपने गुरुजी से मदद लेने जाएंगे। उसके बाद कुछ समय बाद वह दोनों अपने गुरुजी के पास जाते हैं। किशन और मोहन गुरुजी से कुछ काम करने के लिए 1000 और 1000 रुपए मांगते हैं, जिसे गुरुजी उनको दे देते हैं। इसमें शर्त यह है कि किशन और मोहन को ये 1000-1000 रुपया एक साल में लौटा आने होते हैं। इसमें बहुत दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में किशन भगवान से बोलता है कि तो पैसों का क्या करोगे। तब मोहन बोलता है कि परसों का कुछ ऐसा करना है जिससे हमें इसे डबल हो सके, जो पैसे गुरुजी ने उनको दिए थे। उसके बाद मोहन ने किस हमसे पूछा कि किशन तुम इन बस और क्या करोगे, तो कुशल बोलता है मैं घूमने फिरने जाऊंगा। उसका दोनों दोस्त निकल जाते हैं एक साल बाद। तो वह गुरुजी के पास दोबारा से लौट के आते हैं और गुरुजी बोल और किससे पूछते हैं पैसे कहाँ हैं। तब मोहन मुस्कुराते हुए कहता है नहीं गुरुजी, झोली जी आपके 1000 रुपए और इसके अतिरिक्त 1000 रुपए। और गुरुजी बोलते हैं कि मोहन तुम इतने पैसे कहाँ से लेकर आए। तो मोहन बोलता है कि गुरुजी मैंने जब किसान को देखा मैंने उसके फल खरीद के बाजार में बेचने चला गया। मोहन इसी प्रकार रोज फल बेचता गया और उसके पैसे डबल होते गए और वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। मोहन बोलता है कि गुरुजी यह आर्ज 2000 अतिरिक्त ले लीजिए और किसी अन्य जरूरतमंद इंसान की मदद कीजिए ताकि वह अपनी जिंदगी में कुछ कर सके। जिसके बाद गुरुजी बोलते हैं किस किशन तुमने भी यदि मेहनत की होती तो तुम भी आज मोहन की तरह एक अच्छे कारों का अच्छा कारोबार कर पाते। तब मोहन बोलता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आपके पास समय है और अपने समय का सदुपयोग करो। सीख: समय का सम्मान करो और परिश्रम का महत्व समझो। सफलता आपके कदम चूमेगी।